अभी मैं कृष्ण से अनुरोध करूंगा कि ये दो सब बताएगा, इन्होंने अभी पोएट्री में हिस्सा लिया था जो ऑल इंडिया पे हुआ था उसके बारे में। ये भी एक हमारे लिए मोटिवेशनल है बच्चों के लिए, आप कहीं से भी किसी भी स्टेज से आप आगे बढ़ सकते हो। ये जरूरत नहीं है कि आपको कोई सरकारी प्लेटफॉर्म ही मिले, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। वो अपनी योग्यता आपको बताएंगे कैसे इन्होंने हिस्सा लिया और कैसे ये वहां से आगे निकले, कैसे इनका नाम उभर कर आया। तो मैं किशन से अनुरोध करूंगा कि वो बताए बच्चों को और उनका हौसला बढ़ाए। हेलो, बोल के राम राम। अच्छा हो सगड़ा, देख लो ऊपर ही पक पक के बोल जाए। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और इस समारोह को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता की, जिससे कि हम कोशिश कर रहे थे काफी दिनों से, वो आज यहाँ उभर के आया है। और आशा करेंगे कि इससे बाद अगर अगली होली पे या अगला कोई भी प्रोग्राम होगा वो इससे बेस्ट होगा। दूसरी बात ये कि हम कोई भी चीज को कोशिश करने से होती है। हमारे सर कहा करते थे कि कौन कहता है कि तूफान में पैर नहीं जमते, कौन कहता है कि तूफान में पैर नहीं जमते, बस तूफान थमने तक पैर जमाए रखो। कौन कहता है कि छलनी में बर्फ नहीं जमती, बस बर्फ जमने तक हाथ जमाए रखो। तो हमें इस समाज को बनाने के लिए हमें हर वो प्रयास करना पड़ेगा जो हम कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से अपनी सोच और अपने दृढ़ निश्चय से अपन क्या कर सकते हैं। एक बाबा जी थे जो उनके यहाँ एक चेला था मेरे जैसा, अब उनकी सेवा कर रहा था मन से एकदम तहे दिल से। अब कोई बाहर से कोई बंदा आया, उसको उसने लगा दिया कि यार तू सेवा कर रहा है तुम्हें ये नहीं, तू बाबा जी से पूछ तो सही अपन जो अपने को जन्म मिला है उसका मूल्य क्या है। तो उसको वो बात खटक गई। वो खटकने पे उसने एक दिन बाबा जी से जाके कहा कि बाबा जी आप मुझे जीवन का असली मूल्य बताओ। तो उसने बाबा जी ने सोचा कि भी कुछ ना कुछ किसी ने इसको कान भरा है, इसीलिए आज अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाबा जी ने उसको एक सुच्चा लाल दिया, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति को जानते होंगे सुच्चा लाल क्या होता है। तो वो बोला कि जा मार्केट में जा, इस सुच्चे लाल को इसकी कीमत पता करके आ तू। तो वो उस लाल को लेता है और एक दुकान पे जाता है, उसे बोलता है कि इसका मूल्य क्या है। तो दुकानदार ने देख के कहा कि यार तुम्हारा ये पत्थर है, ये चमकीला है, लाल है, अच्छा है, जाओ एक दर्जन संतरे ले जाओ। तो उसने कहा नहीं, बाबा जी ने मना किया है कि इसका सिर्फ मुझे मूल्य पता करना है। वो दूसरी दुकान पे गया और जाके देखा है, उसने कहा कि तुम्हारा ये जो सुच्चा लाल है ये अच्छा है, पत्थर चमकीला है, जा एक बोरी आलू के ले जा। वो बोला नहीं, बाबा जी ने सिर्फ इसका मूल्य पता करने के लिए मुझे भेजा है। वो दूसरी दुकान पे जाता है, एक बनियारे के पास जाता है, उसे पूछता है कि इसका मूल्य क्या है। वो उसे देखता है, बोलता है तुम्हारा पत्थर अच्छा है, चलो 5-10 लाख रुपए ले जाओ। उसने कहा नहीं, बाबा जी ने सिर्फ इसका मूल्य पता करने के लिए बनाया है। आगे जाता है, किसी सुनार के पास जाता है। वो सुनार के पास जाने के बाद उसे वो दिखाता है, तो सुनार समझ जाता है कि पत्थर तो चमकीला भी है, अच्छा और महंगा है, रतन है। तो बोलता है कि भाई 20-25 लाख रुपए है वो ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ दा। बोला नहीं दूंगा, बाबा जी ने मना किया कि इसका सिर्फ मूल्य ही पता करना है। आगे जाता है और जोहरी के पास जाता है, जिसको उस लाल की कीमत पता थी। उस जोहरी ने एक लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर रखा उसको और नतमस्तक किया, उसको फेरी दी। बोलो कहीं पर भी चले जाओ, इसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता। तुम जाओ और अपने गुरु से ये पूछ लो। तो वो थोड़ा थोड़ा आता है, वो पागल हो जाता है, घबरा जाता है और आगे गुरु जी के चरणों में पड़ जाता है। बोलता है बाबा जी मुझे तो समझ में नहीं आया, आप ही मुझे इस रतन का मूल्य बताओ। बोले बेटा जीवन में याद रखना कि चाहे तुम्हारे तुम अपने जीवन को एक दर्जन संतरे के भाव बेच दो या एक बोरी आलू के भाव बेच दो या इसे अनमोल बना लो, ये तुम्हारी सोच पे निर्भर है।
तुम्हारी दृष्टि भी निर्भर है कि तुम इस जीवन को देखते किस नजरिए से हो। तो ये हमारा जो समारोह आपने शुरू किया है और जो बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं, वो आप लोगों की सोच पे डिपेंड है कि आप लोग इस बच्चे को कहां भेजोगे, क्या करवा सकते हो। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे हमारे से ज्यादा आप ध्यान रखो। हम उसे ना बुलाए, आप खुद उन्हें हमारे पास भेजो और हर बार पूछो कि बच्चा किस लेवल पे है, कहाँ है। और इसी वजन के साथ मैं ये अपनी स्पीच बंद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। के लिए एक बार बहुत ज्यादा तालियां।